दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने इस साल के आईपीएल में तहलका मचा दिया है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेलने वाले संजू सैमसन के बारे में बात करेंगे। आखिर संजू सैमसन कौन है और कहां से और कितना कमाते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। संजू सैमसन, इनका पूरा नाम संजू विश्वनाथ है, जिनका जन्म 11 नवंबर 1994 में केरल में हुआ था। संजू एक अच्छे विकेट कीपर और बल्लेबाज है। ये बहुत ही कम उम्र में से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिए थे। संजू को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। इनके पिता का नाम सैमसन विश्वनाथ है जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे। इनके पिता ने हमेशा से ही इनका साथ दिया है। संजू की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सीनियर स्कूल से हुई है। उनके पिता के रिटायरमेंट के बाद वो दोनों केरल आ गए। यहाँ संजू सेंट जोस हायर सेकेंडरी स्कूल में आगे की पढ़ाई की है। अपने स्कूल में अच्छे परफॉर्मेंस के बदौलत मात्र 13 साल की उम्र में ही केरल के टीम में इन्हें शामिल कर लिया गया और 17 साल की उम्र में विदर्भ के खिलाफ केरल के लिए मैच खेला। 2012 में संजू को आईपीएल में शाहरुख खान की टीम केकेआर ने उन्हें खरीद लिया, लेकिन उन्हें आईपीएल में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2013 में राजस्थान रॉयल ने संजू को खरीद लिया और इस साल भी संजू को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और 2014 से संजू को आईपीएल में खेलने का मौका दिया गया, लेकिन 2020 में संजू ने राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच हो रहे मैच में राजस्थान रॉयल के लिए संजू ने 32 गेंदों में 74 रन बनाए जिसमें एक चौका और 9 छक्के शामिल है। इसके बाद संजू सैमसंग को काफी ज्यादा लोग पसंद करने लगे। अगर बात करें संजू सैमसंग की सैलरी की तो हर साल आईपीएल संजू सैमसंग को 8 करोड़ रुपया दिया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को पहली बार देख रहे थे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।